नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। खबर बुलंदशहर जिले से है, जहां जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हो गए थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 15 लोगों की हालत अभी भी खराब है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मृतकों का पोस्टमार्टम करवा रही है, जिससे पता चल सके कि मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। गांव वालों का आरोप है कि शराब और आबाकारी विभाग की साठगांठ से गांव में जहरीली शराब बेची जा रही थी। इन सभी का दोषी शराब माफिया कुलदीप घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश पुलिस को अभी भी है। बुलंदशहर जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने की घटना सीएम योगी को भी मिली, जिसके बाद सीएम योगी तुरंत एक्शन में आ गए और इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए अब थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखे पुरी को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ पुलिस की कार्रवाई में मामले से जुड़े 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है पुलिस का बुलंदशहर की घटना को लेकर। इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी, इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखे पुरी, साथ ही 2 RSP जो स्टेट के हल्के के सिपाही हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, नशीली मार्ग का शराब है, यदि किसी मार्के की शराब टेको की व्यक्ति है तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी ने इन सभी दोषियों के खिलाफ रासुका, जिसे अंग्रेजी में एनएसए कहते हैं, लगाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर हर पीड़ित को बेहतर इलाज देने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस शराब बेचने वाले आरोपी के परिवार वालों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि घटना का मुख्य आरोपी का पता लगाया जा सके। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद। We'll be right back.